तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर से आपको बता दें, जहां वेल्डिंग करते समय डीजल टंकी में ब्लास्ट हुआ है। ट्रक में वेल्डिंग करते समय ये ब्लास्ट हुआ है। वेल्डिंग करने वाला बुरी तरह आग में झुलसा है। लसूरिया थाना क्षेत्र के देवास नाके की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां वेल्डिंग करते समय डीजल टंकी में ब्लास्ट हुआ है। वेल्डिंग करने वाला बुरी तरह से आग में झुलस गया है और ट्रक में वेल्डिंग करते समय ये पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां ट्रक में वेल्डिंग करते समय यह हादसा हुआ है। वेल्डिंग करते समय डीजल टंकी में ब्लास्ट हुआ है। वेल्डिंग करने वाला आग में बुरी तरीके से झुलसा। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस ट्रक की, जिसमें वेल्डिंग करते समय डीजल टंकी में ब्लास्ट हो गया और वेल्डिंग करने वाला जो व्यक्ति था वो आग में बुरी तरह से झुलस गया है। रसूलिया थाना क्षेत्र के देवास नाके की घटना है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, कब की घटना है ये? इरम, ये देखिए, थोड़ी देर पहले की ये घटना बताई जा रही है। ये इंदौर के देवास नाका क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है और वहाँ पर कहीं जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चलते हैं उनको वहाँ पर एक बड़ी व्यवस्था इन ट्रकों की कर रखी है, जहाँ पर भमोरी इलाके में कई ट्रक यहाँ पर खड़े रहते हैं और साथ में यहाँ पर मैकेनिक का भी काम होता है, तो कई ट्रक ये रिपेयरिंग के लिए भी यहाँ पर आते हैं। उसी दौरान ये ट्रक रिपेयरिंग चल रही थी, उसमें कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान ये इसमें पूरा ब्लास्ट हुआ और इसमें एक जो एक मैकेनिक है वो पूरी तरह से झुलस गया है, जिसे गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लाया गया। वहीं ट्रक ने भी पूरी तरह आग पकड़ ली थी, जिसको दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो व्यक्ति झुलसा है उसकी स्थिति इस वक्त क्या बताई जा रही है? एकदम इसकी स्थिति अभी चिंतनीय है। गंभीर स्थिति में इसे एमवाई अस्पताल लाया गया है, जहां पर वन यूनिट में इसे प्राथमिक उपचार देने के बाद रखा गया है। अभी स्थिति उसकी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं लसूड़िया थाने में पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है और ये जो जिस ट्रक में आग लगी थी उस पर आग पर भी काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सचिन पूरी जानकारी के लिए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे थे, वेल्डिंग करते समय डीजल टंकी में ब्लास्ट हुआ है। ट्रक में वेल्डिंग करते समय ये पूरा हादसा हुआ है। वेल्डिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो बुरी तरीके से झुलसा हुआ है। उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल में भेज दिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है।